हेलो बीएससी सेकंड ईयर स्टूडेंट्स, थर्मोडायनेमिक्स के थर्ड लेक्चर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज की वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एंट्रोपी के बारे में, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, बहुत ही कंफ्यूज करने वाला कंसेप्ट, लेकिन आज हम इसे बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, तो एंट्रोपी के ऊपर यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन दोनों एग्जाम पेपर में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को नोट करते हैं, फिर मैं आपको एक कंसेप्ट के थ्रू बहुत अच्छी तरह से समझा दूंगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन की अगर हम बात करें, डेफिनेशन से भी थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करना। एंट्रोपी इज ए थर्मोडायनेमिक स्टेट क्वांटिटी दैट इज ए मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ पर डेफिनेशन से आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। अगर आप पहली बार कोई एंट्रोपी का कंसेप्ट देख रहे हैं, तो तब तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि एंट्रोपी जो होती है वो किसी भी, यहाँ पर बताया गया है कि किसी भी सिस्टम की रैंडमनेस की और डिसऑर्डरनेस की एक माप है। ठीक है, हम डायरेक्टली अगर किसी एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें तो एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी इज ए मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ सिस्टम, इट इज डिनोटेड बाय एस। तो कुछ चीजें तो बिल्कुल फिक्स है, ठीक है, उसको आप याद करना पड़ेगा, जैसे कि इट इज डिनोटेड बाय एस, इसको हम एस से डिनोट करते हैं। एंड इन थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स में जनरली जो एंट्रोपी कैन बी डिफाइंड, नीड चेंज इन एंट्रोपी, कहीं पर भी अगर चेंज इन एंट्रोपी की बात हुई है तब वहां पर लगेगा डेल्टा एस। डेल्टा हमेशा चेंज के लिए लगता है, आपको पता है। ठीक है, तो चेंज इन एंट्रोपी को हम डिफाइन करते हैं डेल्टा एस से। ठीक है, अब यहाँ पर आपके जो माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एंट्रोपी किस मेजर करता है रैंडमनेस को और डिसऑर्डरनेस को, मतलब किसी भी सिस्टम की जो रैंडमनेस होती है और डिसऑर्डरनेस होती है, इसको एंट्रोपी मेजर करता है। ठीक है, एक बार फिर से थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। एंट्रोपी इज ए थर्मोडायनेमिक स्टेट क्वांटिटी दैट इज ए मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द सिस्टम। किसी भी सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं उसके रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस की माप है। अब यहाँ पर आपके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आया होगा कि आखिर ये रैंडमनेस क्या है और डिसऑर्डरनेस क्या है, या फिर चलो ठीक है हमें पता है इसका मतलब, तो इसमें हम किसी भी सिस्टम में इसको मापने का क्या मतलब है। ये सब क्वेश्चन आपके माइंड में इस समय आ रहे होंगे अगर आप एक फर्स्ट टाइम एंट्रोपी का यहाँ पर कोई लेक्चर देख रहे हो। ठीक है, सो एंट्रोपी जो होता है, देखिए इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा बहुत अच्छी तरह से। सबसे पहले आप इसे नोट करना सीखें। ठीक है, सबसे पहले आपको नोट करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। और रैंडमनेस की बात कर लेते हैं। रैंडमनेस का मतलब होता है अनियमितता। ठीक है, हिंदी में इसका मतलब होता है अनियमित, कोई चीज अनियमितता, मतलब कि इरेगुलर हो रही है। ठीक है, वो अपना रेगुलरिटी खो रही है, तो उसको बोला जाता है ये अपना जो है रैंडमनेस स्टेट में जा रही है। ठीक है, तो मतलब कि ऑर्डरनेस, कोई चीज अपने ऑर्डर में लगी हुई है। ठीक है, अगर वो ऑर्डर का वो क्रम चेंज होने लगे, ठीक है, वो क्रम जो है पूरा खराब होने लगे, तो उसको बोला जाता है डिसऑर्डरनेस। तो रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस, रैंडमनेस का मतलब होता है अनियमितता या डिसऑर्डरनेस, ये दोनों लगभग लगभग एक ही है। ठीक है, इसका मतलब दोनों का एक ही होता है। इसका मतलब हो गया अनियमितता, कोई मॉलिक्यूल्स हैं वो मतलब कि पास पास है, एक क्रम में लगे हुए हैं। और उसका मतलब यहाँ पर रैंडमनेस में क्या होगा, उसमें वो क्रम, वो मॉलिक्यूल दूर दूर चले गए एक दूसरे से, तो इससे क्या हुआ, उसमें सिस्टम में रैंडमनेस बढ़ गई। ठीक है, आई थिंक अभी आपको समझ में ना आया, बट यू डोंट वरी, थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा जब मैं एक एग्जाम्पल लूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कोई सिस्टम स्टेट ए में है। अच्छा, स्टेट क्या होता है? स्टेट किसी भी सिस्टम की कोई अवस्था होती है। ठीक है, अवस्था से आप इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे कोई गैस है, या कोई, जैसे सपोज दैट कि हम गैस के एग्जांपल ले लेते हैं, कोई गैस किसी भी स्टेट में है, उसका टेम्परेचर टी है। ठीक है, कोई भी टेम्परेचर है उसका, प्रेशर भी कुछ है उसका, और वॉल्यूम भी कुछ है उसका। ठीक है, कुछ उसकी वैल्यू है। अब वो सपोज करो वो उसकी स्टेट ए से स्टेट बी में गया, तो इसका मतलब क्या है कि उसका जो वेरिएबल थे, कौन कौन से वेरिएबल, जैसे कि वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये भी चेंज हो गए। मतलब जो पहले टेम्परेचर था वो चेंज हो गया, चाहे वो कम हो गया, चाहे वो ज्यादा हो गया, डजंट मैटर, लेकिन चेंज हो गया। इसका मतलब उसने अपनी स्टेट को जो है स्टेट ए से स्टेट बी में चला गया। ठीक है, तो स्टेट जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, वेरिएबल पर। ठीक है, किसी भी सिस्टम के वेरिएबल कौन कौन से होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, ये और वॉल्यूम, ये सब क्या है, किसी भी सिस्टम के, किसी भी सिस्टम की स्टेट वेरिएबल होते हैं।
ठीक है, ये सब मैं लगभग थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लेक्चर में ही बता चुका हूँ। जो भी आपके बहुत ही छोटे छोटे वर्ड्स हैं थर्मोडायनेमिक्स में, डेफिनेशंस हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि आपका बेसिक है, ये सब मैं अब कवर कर चुका हूँ। आज मैं जैसे कोई सिस्टम स्टेट ए से स्टेट बी में स्पॉन्टेन्यूसली चेंज हो रहा है, स्पॉन्टेन्यूसली का मतलब अपने आप, ठीक है, कोई चीज अपने आप स्टेट ए से स्टेट बी में चेंज हो रही है, क्या ऐसी कोई रिएक्शन है जो कि अपने आप होती है? जी हाँ, पूरे यूनिवर्स में लगभग हर चीजें अपने आप होती है। नेचर, नेचुरल नेचर के अंदर होने वाली हर एक चीजें, जैसे कि परिवर्तन, चेंज, आप धीरे धीरे आपकी एज जो है वो बढ़ती चली जा रही है, अपने आप हो रहा है। क्या तुम कर रहे हो अपनी एज को, तुम बढ़ा रहे हो? नहीं, आप जो है समय के साथ साथ धीरे धीरे बूढ़े होते चले जा रहे हैं, ठीक है, कुछ बच्चे जवान होते चले जा रहे हैं, मतलब ये क्या हो रहा है, ये अपने आप होने वाली कुछ प्रोसेस होते हैं, ठीक है। इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब यहां पर आप ये मैटर नहीं करता कि मैं उसको समझा पा रहा हूं ढंग से या नहीं समझा पा रहा हूं, आप समझने की कोशिश कितना कर रहे हैं इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप पूरा फोकस कीजिए जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो कोई ऐसे, अब यहां पर ये जो स्पॉन्टेनियस आया है, इसका जो ये जो वर्ड आया निकल कर आया है स्पॉन्टेनियस, ये कई बार यूज होगा एंट्रोपी के अंदर, पूरे थर्मोडायनेमिक्स में कई बार यूज होगा, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी, इसे पकड़ के रखना है, रैंडमनेस को पकड़ के रखना है, इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस, स्पॉन्टेनियस, इसको बिल्कुल पकड़ के रखना है अपने माइंड में कि रैंडमनेस का मतलब होता है कोई चीज डिसऑर्डर, डिसऑर्डर में मतलब कि कोई चीज बिल्कुल सही क्रम में लगी हुई थी और फिर बाद में क्या हुआ, कुछ उसमें उथल पुथल हो गया जिसके कारण उसकी रैंडमनेस, उसी को बोला जाता है रैंडमनेस, ठीक है। उथल पुथल हो जाना, किसी चीज का डिसऑर्डर हो जाना, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब जैसे वो सिस्टम स्टेट ए से स्टेट बी में स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप हो रहा है, ठीक है, स्टेट ए से स्टेट बी में अपने आप चला गया कोई सिस्टम। अब स्टेट ए में था वो हाईली रेगुलर, ठीक है, स्टेट ए में वो बिल्कुल रेगुलर था, ठीक है, और उसके बाद उसकी जो एंट्रोपी थी वो लेस थी, ठीक है, क्योंकि एंट्रोपी क्या है, ये किसी रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस की माप है, तो अगर वो डिसऑर्डरनेस नहीं होगी तो इसका मतलब एंट्रोपी कम होगी, ठीक है, और हाईली ऑर्डर था मतलब पूरे एक क्रम में लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही वो स्टेट बी में गया तो वो हाईली डिसऑर्डर्ड हो गया, मोर इसकी एंट्रोपी बढ़ गई और मोर रैंडम हो गया। तो हमेशा ध्यान रखें, नेचर में जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं वो उनकी जो एंट्रोपी होती है वो बढ़ती है, ठीक है, जो ऐसे जो कोई भी रिएक्शन जो कि अपने आप हो रहा है तो उसकी एंट्रोपी बढ़ती है। कैसे पता लगाया, जैसे फॉर एग्जांपल इसका मैं लगा देता हूं, ये थोड़ा वर्ड्स भी लिख लेना, व्हेन ए सिस्टम चेंज फ्रॉम स्टेट ए ऑफ फाइनल स्टेट बी स्पॉन्टेनियसली मतलब अपने आप स्टेट में चेंज हो रहा है स्टेट ए से स्टेट बी में, सो द एंट्रोपी ऑफ स्टेट ई ए इज लेस एंड एंट्रोपी ऑफ स्टेट बी इज हाई, ठीक है, इसकी एंट्रोपी लेस है, इसकी एंट्रोपी हाई है। अब इसका कारण, चलिए यहां पर मैं मेल्टिंग ऑफ आइस की एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कोई बर्फ है, ठीक है, वो पिघल रही है, तो क्या आप उसको पिघला रहे हैं? नहीं, मतलब अपनी आप, आपने आपने जो बर्फ को रख दिया नेचर में ऐसे ही, ठीक है, खुले स्थान पर रख दिया, अब वो धीरे धीरे अपने आप पिघलना स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस कंडीशन में मतलब एक एक किस तरह का प्रोसेस हो गया, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया, मतलब अपने आप होने वाला प्रोसेस है बर्फ का पिघलना। तो बर्फ अगर एक, एक, एक बर्फ जब होता है उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के बिल्कुल अटैच होते हैं, ठीक है, ठीके? पूरी तरह से एक सॉलिड स्टेट में है बर्फ, तो उसके मॉलिक्यूल बहुत ही पास पास होते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम है। लेकिन जैसे जैसे वो आइस मेल्ट होता जा रहा है, ठीक है, वो गलता जा रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है कि वो उसकी डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है, ठीक है, सारे मॉलिक्यूल बिखर रहे हैं, ठीक है, वो वाटर में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब जैसे सपोज करो कि वो वाटर में कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, तो इसमें डिसऑर्डरनेस मॉलिक्यूल उथल पुथल हो जाएंगे, पूरी तरह से फैल जाएंगे, तो इसका मतलब उसकी एंट्रोपी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो एंट्रोपी को इसलिए बोला जाता है कि ये जो है मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस होता है। इसको आप पहले फटाफट नोट कर ले। एक और एग्जांपल, जैसे कि वेपराइजेशन ऑफ वाटर। अब कोई जैसे आप वाटर को ले लो, वाटर को अगर आप हीट करते हो, ठीक है, वो वेपर फॉर्म में चेंज होता है, तो वेपर में क्या होता है, जब गैसियस स्टेट में आ जाता है तो उसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल्स दूर दूर भागते हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा दूर दूर भागते हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि जो वाटर है वो स्टार्टिंग में उसकी जो भी एंट्रोपी होगी, लेकिन जैसे ही वो वेपर में चेंज हो जाता है उसकी एंट्रोपी बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स जो है आपस में बहुत दूर दूर भागना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो फाइनली अब मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल देने वाला हूं जिससे आपके माइंड में बिल्कुल फिक्स हो जाएगा कि एंट्रोपी हम समझ गए, ठीक है, इसको सबसे पहले नोट कर लें।
सो गाइस, अब आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा इस एग्जांपल के थ्रू कि आखिर एंट्रोपी क्या है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ये कोई केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, मान लीजिए कि ये कोई केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, और ये किसी सिस्टम की स्टेट है। ठीक है, ये क्या है सबसे पहले तो ये एक, मैंने कहा आपको ये एक सिस्टम है। ठीक है, ये एक सिस्टम है। अब इस सिस्टम में आप ध्यान से देखें तो इसमें जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये जो गोल 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 मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं, ये मॉलिक्यूल बिल्कुल अपने ऑर्डर में लगे हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल रेगुलर है, हाईली रेगुलर, अपने ऑर्डर में बिल्कुल लगे हुए, मतलब एक क्रम में है। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसमें कोई स्पॉन्टेनियस चेंज होता है तो अब यहाँ पर इसमें डिसऑर्डरनेस बढ़ जाता है। ठीक है, रैंडमनेस बढ़ जाती है, अनियमितता बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ पर रेगुलर है मतलब नियमित है, और यहाँ पर रैंडम है मतलब कि अनियमित है, मतलब कि पूरी पूरी क्या हो रहा है, जो मॉलिक्यूल है आपस में पूरे बिखर गए। ठीक है, कोई इधर गया, कोई इधर गया, कोई इधर गया, कोई इधर गया, मतलब यहाँ पर अनियमितता और डिसऑर्डरनेस बढ़ती जा रही है, मतलब बढ़ चुकी है। तो अब हम क्या कहेंगे कि मतलब यहाँ पर जो एंट्रोपी थी, ठीक है, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मतलब कि अपने आप होने वाला प्रोसेस है। अब इसमें क्या हुआ, कोई भी सिस्टम है जो कि एक ऑर्डर में था। ठीक है, अब इस समय क्या था, ये एक ऑर्डर में था, लेकिन यहां पर क्या हो गया, डिसऑर्डर हो गया। यहां पर सिस्टम क्या था, एक रेगुलर में था, अपने क्रम में लगा हुआ था, यहां पर क्या हुआ, रैंडम हो गया, मतलब पूरी तरह से इरेगुलर हो गया। ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल आपस में बिखर गए। तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि इस सिस्टम की जो एंट्रोपी है, ठीक है, एंट्रोपी को हम एस से डिनोट करते हैं, वो बढ़ गई। ठीक है, अब ये जो एरो का निशान अगर मैं ऊपर की तरफ लगाऊं तो इसका मतलब समझ जाना कि किसी चीज के बढ़ने की बात हुई है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस सिस्टम की एंट्रोपी जो होती है वो चेंज हो गई, चेंज होकर बढ़ गई, मतलब कि ठीक है, अगर किसी सिस्टम में रैंडमनेस बढ़ रही है तो उसकी एंट्रोपी बढ़ रही है। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो आई थिंक आपको एंट्रोपी भी पता चल गया होगा कि एंट्रोपी क्या है, किसी सिस्टम के रैंडमनेस की मेजरमेंट की माप है। ठीक है, किसी सिस्टम के अंदर कितना डिसऑर्डरनेस हो रही है या कितना रैंडमनेस बढ़ रही है उसके मेजरमेंट है। ठीक है, वही उसका मेजरमेंट है, माप है एक तरह से, हिंदी में समझ लेना। अब देखिए, यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि जो एंट्रोपी होती है वो किस तरह का है, स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है, तो एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है एंट्रोपी के बारे में, ये नोट कर ले पॉइंट कि एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है। ठीक है, स्टेट फंक्शन, क्योंकि इसे रास्ते से मतलब नहीं है। ठीक है, पाथ फंक्शन क्या होता है, जिसे रास्ते से मतलब है कि कोई प्रोसेस सबसे पहले यहां पर गया, यहां पर गया, यहां पर गया, यहां पर गया, यहां पर गया। ठीक है, और कोई प्रोसेस यू आया और ये हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर रास्ता पर डिपेंड करता है, पाथ फंक्शन हमेशा रास्ते पर डिपेंड करता है, और स्टेट फंक्शन से कोई मतलब नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, चाहे इस रिएक्शन को यहाँ से यहाँ ले जाओ, चाहे डायरेक्टली आप यहाँ से ले आओ, इसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसे ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि इस सिस्टम की जो चेंज इन एंट्रोपी को अगर आपको फाइंड आउट करना है कि आखिर इसकी एंट्रोपी जो है वो बढ़ी या घटी, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले चेंज इन एंट्रोपी के लिए मैंने कहा आपको डेल्टा एस यूज करना है। ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे डेल्टा, सॉरी, यहां पर एंट्रोपी की एक फाइनल स्टेट में से आप इनिशियल स्टेट माइनस कर दोगे। ठीक है, क्योंकि यहां पर जाने पर कोई एंट्रोपी बढ़ गई, तो अगर आपको इस कितनी बढ़ी है ये फाइंड आउट करना है तो वापस इसमें से माइनस कर दो, ये जो भी बचेगी वैल्यू वो आपको यहाँ पर निकल कर आ जाएगी चेंज इन एंट्रोपी। तो चेंज इन एंट्रोपी जो है उसके लिए फॉर्मूला ये लगता है। ठीक है, तो इतनी बात पता चल गई कि भाई जो भी कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इरेगुलर होते हैं, अनियमित हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर लूं कि मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है, जैसे ये हमारे पास कोई बर्फ है, ठीक है, इसमें ये मॉलिक्यूल्स आपस में बिल्कुल ऑर्डर में लगे हुए हैं। ठीक है, अपने ऑर्डर में बिल्कुल रेगुलर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, लेकिन जैसे ये आइस मेल्ट होता है, ठीक है, अपने आप मेल्ट होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, तो उसमें क्या होगा, ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और मॉलिक्यूल्स जो है वाटर के दूर दूर इधर उधर फैल जाएंगे। तो इससे क्या हुआ कि या इस सिस्टम की, अगर मैं इसे एक सिस्टम कहूं, तो इस सिस्टम की एंट्रोपी जो है, यहां से आइस इसकी सॉलिड स्टेट से जब ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुआ, तो इसमें क्या हो गया कि इसकी एंट्रोपी इंक्रीज हो गई। ठीक है, एंट्रोपी बढ़ गई। हमेशा ध्यान रखना, नेचर में जो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं उसमें हमेशा उनकी एंट्रोपी जो है
वो बढ़ जाती है, ठीक है, एंट्रोपी बढ़ जाती है। दोस्तों अगर आपसे कोई पूछ ले कि जैसे मैं यहां पर दे देता हूं एक एग्जांपल, इसको मैं मिटो देता हूं, देखिए जैसे आपसे कोई पूछे कि भाई ये मेरे पास कोई रिएक्शन हुई ए से और बी में चला गया कोई, ठीक है, कोई ए से बी में चला गया, तो अब हमको सिर्फ ये बताओ कि क्या इसकी एंट्रोपी बढ़ी या घटी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी रिएक्शन दे देगा आपको और पूछ लेगा कि भाई इसकी एंट्रोपी बढ़ी या घटी, ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है चेंज इन एंट्रोपी बढ़ी या घटी। तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले ये देखोगे आपकी जैसे ये कोई स्टेट ए में है, ठीक है, ये इसकी सिस्टम की अपनी एक स्टेट है, ठीक है। अब ये सपोज करो कि ये जो सिस्टम है इस स्टेट में है, अब यहाँ पर आपको निकालना है कि चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है। तो चेंज इन एंट्रोपी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप देखोगे कि आखिर ये जो सिस्टम है बी में जाते वक्त क्या इसमें रैंडमनेस बढ़ रही है। अगर इसमें रैंडमनेस बढ़ रही है, ठीक है, अगर इसमें रैंडमनेस बढ़ रही है, ठीक है, तब यहां पर इसका मतलब इसमें डिसऑर्डरनेस भी बढ़ रहा है, ठीक है। जब रैंडमनेस बढ़ रही है मतलब कि डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है, मॉलिक्यूल पास पास थे, मॉलिक्यूल दूर दूर भागने लगे, तो फाइनली आप कहोगे कि भाई इसकी एंट्रोपी बढ़ रही है, ठीक है। कितनी बढ़ रही है, तो आप इतना कह सकते हो कि इसमें जो जो चेंज इन एंट्रोपी है वो जीरो से ज्यादा है, ठीक है। कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है उसमें उसकी जो एंट्रोपी होती है वो जीरो से ज्यादा होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, या फिर अगर कोई नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी होता है, क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं, जो अपने आप हो जाए। अब कुछ ऐसे भी रिएक्शंस हैं जिसमें जो स्पॉन्टेनियस जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब जो अपने आप नहीं होता, जिसको हम करते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे ये देखो, ये यहां से आप सपोज करो ये आइस था, बर्फ था, ठीक है, बहुत अच्छा एग्जांपल मिला है, ये हमारे पास था आइस बर्फ। अब देखो ये जो बर्फ है ये चेंज हो गया वाटर में, ठीक है, ये वाटर की लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया। अब आपको यहां पर ये देखना है कि ये जो मॉलिक्यूल्स थे ये पास पास थे, बर्फ जब ये सॉलिड स्टेट में था, जब ये वाटर जो है सॉलिड स्टेट में था, आइस स्टेट में था, आइस के बर्फ की फॉर्म में था, तब तक इसकी एंट्रोपी जो है वो जीरो थी, क्योंकि बिल्कुल ऑर्डरनेस में था, ठीक है। जीरो नहीं कह सकते, ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है बोलता है, लेकिन वो मान सकते हैं, ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, यहाँ पर टॉपिक है, जैसे हमारा अपने टॉपिक को पकड़ के रखते हैं। अब जैसे ये जो हमारा पूरा का पूरा सॉलिड स्टेट में बर्फ था, यहाँ से यहाँ चेंज होने में क्या हुआ, इसमें रैंडमनेस बढ़ गई, डिसऑर्डरनेस बढ़ गया, तो हमने कह दिया कि भाई इसकी एंट्रोपी चेंज हो गई, और मतलब कि इसकी एंट्रोपी बढ़ गई, क्योंकि ये जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था, मतलब स्पॉन्टेनियस अपने आप होने वाला प्रोसेस था। अब यहाँ पर इस मॉलिक्यूल्स को, इस वाटर के मॉलिक्यूल्स को आपको बर्फ में दोबारा कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब इसी मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करके, वाटर के मॉलिक्यूल को आप क्या करते हैं, इसको बर्फ में दोबारा आइस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। एक बार ये आइस से वाटर तो बन गया, अब आपको वाटर से इसमें, तो अपने आप तो होने वाला नहीं है, ठीक है, आपको ही यहाँ पर कुछ ना कुछ करना होगा। आप एक बोतल वगैरह में रख के इसे पूरे पानी को फ्रिज में रख देते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा, वो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही नीचे जाएगा, ये तुरंत बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो है अगर आप वाटर से आइस बना रहे हैं, तो इसका मतलब कि सपोज करो कि ये सिस्टम की इनिशियल स्टेट है, ये है सिस्टम की इनिशियल स्टेट, ठीक है, ये सपोज करो ये सिस्टम, यहां पर लिख देता हूं, ये है सिस्टम और ये है इसकी इनिशियल स्टेट, मतलब पहले वाली स्टेट। तो अब ये फाइनल स्टेट इसका आइस बन गया, ठीक है, फाइनल स्टेट में ये चेंज हो गया आइस में, तो अब इसको क्या कहोगे, क्या इसकी एंट्रोपी बढ़ी या घटी। तो इस यहां पर क्या हुआ कि भाई मॉलिक्यूल के मतलब दूर दूर थे, उसमें रैंडमनेस ज्यादा थी, डिसऑर्डरनेस ज्यादा था, अब जैसे ये आइस में कन्वर्ट होता है, इसमें बिल्कुल रेगुलर हो जाते हैं सभी के सभी मॉलिक्यूल, बिल्कुल रेगुलर हो जाते हैं, ऑर्डर में आ जाते हैं, ठीक है, रैंडमनेस कुछ नहीं होती। तो इस कंडीशन में आप क्या कहोगे कि इसकी एंट्रोपी जो है, चेंज इन एंट्रोपी वो डिक्रीज करेगी, मतलब यहां पर चेंज इन एंट्रोपी जो है वो जीरो से कम होगी। बात समझ में आ गई, जीरो से कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है कंसेप्ट, या आई थिंक आपको इतना जरूर समझ में आ गया होगा कि जहां पर रैंडमनेस बढ़ रही है वहां पर एंट्रोपी बढ़ रही है, जहां पर ऑर्डरनेस मतलब कि जो डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है वहां पर जो एंट्रोपी है वो बढ़ रही है। अगर आपसे कोई पूछे, अब यहाँ पर जैसे ये स्टेट ए से स्टेट बी में पहुंच गया,
आपसे किसी ने पूछ लिया कि भाई इसमें क्या बताओ, इस रिएक्शन में एंट्रोपी बढ़ रही है घट रही है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली आप यही कहोगे कि भाई देख लो अगर उसमें सिस्टम जो है दूर दूर भाग रहे हैं, उसमें रैंडमनेस जो है बढ़ रही है, डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है, तो उसकी एंट्रोपी डेफिनेटली बढ़ रही होगी। नोट करेंगे इस पॉइंट को। सो गाइज, अगर मैं इसमें एक और रिएक्शन आपको बता दूं, जैसे कि ये तो हमने सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन ही देखी जो कि एक ही डायरेक्शन में हो रही थी, तो इसमें हमने क्या देखा था, डिसऑर्डरनेस बढ़ रही थी और रैंडमनेस बढ़ रही थी, हमने कह दिया कि एंट्रोपी इसकी इंक्रीज हो रही है, मतलब एंट्रोपी बढ़ रही है, एंट्रोपी जीरो से ज्यादा है इतना हम कह सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि जैसे ये हमारे पास कोई सिस्टम है जिसकी, ठीक है, अब ये सिस्टम जो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों में हो रही है, तो इसको क्या बोला जाता है, रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, वो जो इससे पहला वाले रिएक्शन था वो इरिवर्सिबल था, ठीक है, मतलब कि वो रिवर्स नहीं हो सकता था, बट यहाँ पर रिएक्शन जो है वो रिवर्स हो रहा है, ए से बी में जा रहा है और बी से ए में भी आ रहा है, तो इस रिएक्शन में क्या होगा, ठीक है, जो इरिवर्सिबल था जो कि रिवर्स नहीं हो सकता था, जैसे कि आपकी एज, क्या आप बचपन में वैसे जा सकते हैं जैसे आप थे, नहीं जा सकते ना, तो ये क्या है, ये किस तरह की रिएक्शन है, ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है, नेचर का एक इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि आपकी आपकी जो एंट्रोपी है वो बढ़ रही है, ठीक है, आपकी एंट्रोपी कभी कम होने की नहीं, मतलब पूरे यूनिवर्स में हर एक चीज जो भी नेचर में हो रहा है उसकी जो एंट्रोपी है वो बढ़ रही है। अब मैं बात कर लूँ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ठीक है, आपने पढ़ा होगा भाई, रिवर्सिबल रिएक्शन भी आपने पढ़ा होगा। तो अब यहाँ पर ए से बी में गया स्पॉन्टेनियसली, अपने आप चला गया, ठीक है, अब बी से ए में भी आ गया अपने आप, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसकी एंट्रोपी क्या होगी, इसकी एंट्रोपी जो होगी, डेफिनेटली हमेशा याद रखना, इसकी एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी हमेशा जीरो के बराबर होगी, ठीक है, क्योंकि ए से बी में भी जा रहा है, बी से ए में भी जा रहा है, ठीक है, सपोज करो यहाँ पर ये प्लस हो गई, पॉजिटिव हो गई, ठीक है, यहाँ से यहाँ गई बढ़ गई, लेकिन यहाँ से आ गई नेगेटिव हो गई, तो जितनी पॉजिटिव उतनी नेगेटिव कट गया जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए या रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए चेंज इन एंट्रोपी जो होती है वो जीरो होती है, ठीक है, इसको भी नोट कर लेंगे। सो गाइज, अब आपको यहाँ पर नोट करना होगा मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, तो हम जनरली इसका जो फॉर्मूला है वो डेल्टा एस, मतलब कि ये है चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टी, टी यहाँ पर टेम्परेचर है और डेल्टा क्यू यहाँ पर चेंज इन हीट, किसी भी सिस्टम की जो हीट है वो चेंज, उसमें चेंज की बात हुई है, वो लूज भी कर सकती है, गेन भी कर सकती है, ठीक है, कोई भी सिस्टम हीट को लूज कर सकता है, मतलब कि अपने अंदर की जो हीट है वो उसे छोड़ देगा, अगर कोई भी सिस्टम हीट को गेन भी कर सकता है, तो इस बेस पर इसे बोला जाता है चेंज इन हीट, ठीक है। तो डेल्टा एस जो है वो चेंज इन एंट्रोपी, डेल्टा क्यू जो है वो चेंज इन हीट, एंड टी इज अ टेम्परेचर, ठीक है। अब जैसे कोई सिस्टम है, डेल्टा क्यू की हम बात कर लेते हैं, कि ये जो डेल्टा क्यू है, अगर इस डेल्टा यहाँ पर कोई सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, चलिए इसे छोड़िए, यहाँ पर ये जो हमारे पास है कोई सिस्टम है, ठीक है, तो ये जो सिस्टम है ये अगर हीट को लूज करता है, ठीक है, तो अगर सपोज करो कि इसने हीट को लूज कर दिया, अपने अंदर से हीट को रिलीज कर दिया, तो इस कंडीशन में हम मानेंगे नेगेटिव, ठीक है, डेल्टा क्यू को हम मानेंगे नेगेटिव, क्योंकि सिस्टम के अंदर से हीट निकल गई, तो ये नेगेटिव में माना जाएगा। अगर सिस्टम के अंदर, ठीक है, इस चीज को नोट कर लेंगे क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में आपको जितने भी बेसिक पॉइंट्स बता रहा हूँ ये आपके बहुत मदद करेंगे। अब उसके बाद, अब ये जो सिस्टम है ये हीट को गेन करेगा, ठीक है, मतलब हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इस कंडीशन में हम जो डेल्टा क्यू की वैल्यू है वो पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है, तो ये है नेगेटिव वैल्यू और ये है पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, इसके दो फॉर्मूले हैं, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तब आप इस वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट ना हो, ठीक है, ये देखिए कट लगा दिया है, तो मतलब कि टेम्परेचर कांस्टेंट ना हो तब आप इस तरह से इसका इंटीग्रेशनल जो होती है, जो इंटीग्रेट करके जो वैल्यू निकलती है उसको आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो एंट्रोपी है वो किस तरह की, मतलब कि किस तरह की प्रॉपर्टी है, तो एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब ये अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड करती है, जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ मैटर होगा उतनी ही ज़्यादा एंट्रोपी होगी, तो इसलिए हमने कहा कि एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और ये अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड करती है। एंट्रोपी, एक और पॉइंट नोट करेंगे, एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन होता है, वो फाइनल और इनिशियल पॉइंट पर ही डिपेंड करता है, उसे रास्ते से मतलब नहीं है कि कोई चीज़ कितनी दूर किस तरह से किस किस पैथ से गई है, उसे सिर्फ इससे मतलब है कि चेंज इन एंट्रोपी
इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, या फिर आप कह सकते हैं फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का। देखिए, जैसे ये हमारे पास कंटेनर है, ठीक है, ये हमारे पास कंटेनर ए है और ये है हमारे पास कंटेनर बी। कंटेनर ए में कोई गैस भरी हुई है, इन दोनों कंटेनर में अलग अलग टाइप की गैस भरी हुई है, जैसा कि आप यहाँ पर मैंने अलग अलग कलर में जो है डिनोट भी किया है, ठीक है। सपोज करो इसमें गैस ए भरी हुई है, इसमें गैस बी भरी हुई है, ठीक है, और बीच में एक वाल्व है जो कि इन गैसों को एक्सचेंज होने से रोक रही है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो आपको कंटेनर दिखाई दे रहा है ये आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है। आइसोलेटेड का मतलब कि यहाँ पर ना तो हीट को अंदर, ना इस सिस्टम के अंदर की जो हीट है वो बाहर जा सकती, और ना ही सिस्टम जो बाहर की हीट है वो अंदर आ सकती, मतलब यहाँ पर जो हीट का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ हीट पॉसिबल नहीं है, ठीक है, जीरो है। तो अब इस कंडीशन में अब क्या होगा, सपोज करो कि मैंने इस वाल्व को हटा दिया, ठीक है। अब मैं जैसे ही इस वाल्व को हटा देता हूँ तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये जो गैसेज हैं ये आपस में आकर के एक दूसरे से अपने आप मिल जाती हैं, ठीक है, स्पॉन्टेनियसली आपस में आकर के ये मिल जाती हैं, जैसा कि आप मैप तो देख सकते हैं, ठीक है। अब ये पूरी तरह से ये गैसें आपस में मिल गई, ठीक है। मिलने के बाद अब यहाँ पर क्या इसमें इस पूरे दोनों, इन दोनों सिस्टम की अगर हम बात कर लें, इन दोनों कंटेनर की, ठीक है, या फिर आप इसको ज्वाइंट कर दें तो एक ही सिस्टम बना दें, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है एक ही सिस्टम आपने बना दिया है, तो क्या इसमें रैंडमनेस बढ़ी या घटी? रैंडमनेस बढ़ी, डेफिनेटली बढ़ी, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है वो आपस में पूरी तरह से रैंडम हो गए, ठीक है। यहाँ पर डिसऑर्डरनेस और ज्यादा बढ़ गई, ठीक है, मॉलिक्यूल्स आपस में दोनों गैसों के मिक्स हो गए, तो क्या इसकी एंट्रोपी बढ़ी या घटी? क्योंकि यहाँ पर चेंज इन एंट्रोपी, हम बात करें डेल्टा क्यू की, तो यहाँ पर डेल्टा क्यू की वैल्यू बिल्कुल जीरो है, तो क्या एंट्रोपी की वैल्यू भी जीरो होगी या नहीं होगी? अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड में ना तो हीट निकल सकता, हीट का कोई चेंज ही नहीं हो सकता, मतलब ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव। अब इस कंडीशन में देखिए, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था, अगर सिस्टम हीट को गेन करता है तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम, लेकिन अगर सिस्टम वहीं पर हीट को रिलीज कर रहा है, निकाल रहा है हीट को, तो इस कंडीशन में नेगेटिव आएगी वैल्यू। तो यहाँ पर जो कंडीशन बैठ रही है, यहाँ तो बिल्कुल टेम्परेचर जीरो है, ठीक है, यहाँ पर हीट का आदान प्रदान नहीं हो सकता, तो हीट विल बी जीरो। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, क्या इसकी एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी? तो डेफिनेटली इसकी जो एंट्रोपी है वो चेंज इन एंट्रोपी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि एंट्रोपी का जो बेसिक डेफिनेशन क्या है, एंट्रोपी की जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये कहता है कि अगर किसी सिस्टम के अंदर रैंडमनेस बढ़ रही है, डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है, तो उसकी एंट्रोपी डेफिनेटली बढ़ेगी। ये तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, इसमें हमने यहाँ पर ये हेल्प कर सकता है, बट ये कम्प्लीटली नहीं डिफाइन कर पाया, ठीक है, इसके बेस पर हम कम्प्लीटली नहीं बता सकते कि आखिर इसमें एंट्रोपी बढ़ी या घटी। यहाँ पर तो एंट्रोपी, अगर हमें अपना जो बेसिक फॉर्मूला है कि अगर किसी सिस्टम में, अब हमें चेक करना है कि कोई सिस्टम स्टेट ए से स्टेट बी में जा रहा है, तो अगर वो ए से बी में जाते वक्त उसने, उसमें अगर उसने सिस्टम ने रैंडमनेस बढ़ रही है, डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है, तो इस कंडीशन में उसमें जो इरेगुलरिटी है, अनियमितता है, वो बढ़ रही है, तो इस कंडीशन में हम कहेंगे उसकी एंट्रोपी डेफिनेटली बढ़ेगी। तो इस कंडीशन में जो आइसोलेटेड सिस्टम में है, इसमें अगर आपसे कोई पूछा जाए कि चेंज इन एंट्रोपी क्या है, तो भाई जीरो से ज्यादा है, ठीक है, मतलब जीरो से ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो हमेशा जो एंट्रोपी आएगी वो जीरो से ज्यादा निकल कर आएगी, ठीक है। इस पॉइंट को भी नोट कर लेंगे। तो हमने यहां पर एंट्रोपी की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में बात किया। दोस्तों, यूनिवर्स की सभी घटनाएं इरिवर्सिबल होती है, मतलब कि ज्यादातर जो भी घटनाएं आपको दिखाई देंगी सब की सब इरिवर्सिबल होती हैं, क्योंकि आपको पता है जैसे आपका एज है वो वापस नहीं आ सकता, आप अपने बचपन में वापस नहीं जा सकते। कोई भी चीज है यूनिवर्स में, आपने जितनी भी चीजें देख रही होंगी सब, आप जैसे, आप फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे आप सुबह सुबह आपका जो बेडरूम का कमरा है वो पूरा का पूरा इधर से उधर पड़ा रहता है, रजाई उधर पड़ी है, कापी किताब आपने जो पढ़ा लिखा है वो सब कुछ इधर उधर फेंका पड़ा है, ठीक है, लेकिन फिर सुबह उठ करके आप उसको सही करते हो, अगले दिन फिर आपको ऐसा ही मिलता है, मतलब डिसऑर्डरनेस बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है, इसमें मतलब कोई रोक भी नहीं सकता एंट्रोपी को, ठीक है। तो आपकी भी एंट्रोपी, अब अगर आपसे कोई पूछा जाए कि आपकी एंट्रोपी बढ़ रही है क्योंकि आपका आपका जो एज है वो सब इरिवर्सिबल है, तो आपकी एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।
वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि सभी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और इस चैनल पर बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड 11th+12th के केमिस्ट्री के सिलेबस अपलोड किए जाते हैं।